ये है यहाँ का लोकल विलेज चंदनवाड़ी। कुछ बाइक राइडर्स आए हुए हैं। आप लोगों ने बाकी श्रीनगर वैली में देखेंगे जो मकान होते हैं वो किस टाइप से बने होते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लकड़ी के बने हुए मकान हैं, पूरी तरीके से, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं। पूरी तरीके से जो इनका बेस है वो लकड़ी से बनाया जा रहा है, और ये इनकी छत और रूफ जो भी होगी वो लकड़ी की होगी। देखिए यहाँ पर इस विलेज में नया मकान बनाया जा रहा है, कुछ इस टाइप के यहाँ पर हिमालयन विलेज होते हैं, कुछ इस टाइप से बनाए जा रहे हैं। ये देखिए ये लोकल मार्केट है चंदनवाड़ी का, आपको छोटा मोटा सामान मिल जाएगा। ऐसा वुडन शॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी लकड़ी की काफ़ी चीज़ें हैं। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये कैसे दे सकते हैं? ये 100 रुपीज़ है। ये विलेज छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देख रहे हो कि सिर्फ ये रोड के साइड में जितना भी दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ यही विलेज है, बाकी और कुछ नहीं है। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अभी मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जो ग्लेशियर है, जिसके नीचे से ये नदी आ रही है, वो सामने से आ रही है, और ये जो ग्लेशियर है एक तरीके का ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है, और इसके ऊपर आप लोगों को टूरिस्ट दिखाई दे रहे होंगे वो देखिए, और एक तरीके का गुफा सी बन गई है। और कुछ दिनों में ये ग्लेशियर पूरी की पूरी तरीके से पिघल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ एक नदी दिखाई देगी। देखिए कितना साफ पानी है, पूरा का पूरा बिस्लरी। अभी मेरे पीछे मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ, वो देखिए वो जो ग्लेशियर है हो सकता है पूरा का पूरा पिघल के आ रहा है। कुछ दिनों पहले या महीनों पहले मार्च में अप्रैल में यहाँ सब जगह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, पर इस वक्त बहुत ही छोटा सा हिस्सा बचा है बर्फ का, क्योंकि लगभग गर्मी यहाँ भी हो रही है और सारा का सारा पिघल चुका है। तो देखिए बीच में आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो ग्लेशियर के नीचे से वो एक छोटी सी नदी, एक्चुअल में नदी क्या, वो ग्लेशियर का बर्फ पिघल के नीचे आ रहा है, और जहाँ पर हम खड़े हैं उसके नीचे एक जंक्शन टाइप का है, और वहाँ पर ये एक बड़ी सी रिवर आ रही है, इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे जो रिवर आ रही है वो, इस वक्त मैं ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ग्लेशियर के ऊपर, और मेरे पीछे से वो रिवर आ रही है जो कि इस ग्लेशियर के नीचे से होते हुए आगे की तरफ वहाँ निकल रही है, आगे की तरफ वहाँ निकल रही है, और अभी मतलब हमारे नीचे एक नदी बह रही है और हम ग्लेशियर के ऊपर है। तो सच में कितना ही एक रोमांचित कर देने वाला एक एहसास है, मैं उसको वर्ड्स में नहीं कह सकता, इसके लिए आपको यहाँ पर आना ही होगा। वैसे मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि जगह ही इतनी अच्छी है, पर क्या करूँ, मुझे बेताब वैली भी कवर करनी है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग वापस अपनी टैक्सी की ओर जा रहे हैं।